थ्रिलर और पॉलिटिक्स, ये तीनों चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी, जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से बहुत काफी दिन से बॉलीवुड में इंतजार कर रहे थे कि वो चीजें हमको देखने मिले, तो वो सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं शिखर और आज हम रिव्यू कर रहे हैं संजय दत्त की मूवी का प्रस्थानम का। ये मूवी काफी स्ट्रांग मानी जा रही थी और बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को इस मूवी से। काफी हद तक ये मूवी जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जो है खरी उतरी है। सबसे पहले तो मूवी स्टार्ट होती है संजय दत्त से। सो संजय दत्त है, उन्होंने पॉलिटिशियन का रोल किया है और काफी आप जानते हैं संजू बाबा को जो है हमेशा से ही भौकाल में रहे हैं, तो उनका जो रोल रहा है काफी वर्चस्व वाला रहा है। पूरा उन्होंने अपने कैरेक्टर को बांधे हुए हैं पूरा शुरुआत से लेके अंत तक। उनके दो लड़के हैं, दैट इज अली फैजल और दूसरे हैं संदीप दुबे करके, दोनों ने ही अच्छा रोल प्ले किया है। पहले का लव स्टोरी जो है थोड़ा सा मुझको लगता है वेस्ट में ही दिखाया गया है, जैसे कि अली फैजल की जो लव स्टोरी है वो अमायरा दस्तूर के साथ दिखाई गई, तो वो थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। फिल्म का पहला हाफ जो है वो किरदारों का परिचय देने में ही निकल जाता है, आपको सारे उनके किरदार के बारे में बताया जाता है, उनकी भौखाल बताई जाती है, और थोड़ा दूसरे हाफ में जो है फिर वो कैरेक्टर्स जो है वो बांधे रहते हैं। तो ओवरऑल जो मूवी है दूसरे हाफ में ज़्यादा अच्छी है, पहले हाफ में थोड़ा कम उन्होंने प्ले किया है रोल, एक्टिंग में कम फोकस किया उन्होंने, दूसरे हाफ में काफ़ी स्टेबल हुए हैं और आपको काफ़ी हद तक जो है मूवी पसंद आएगी। आप इस मूवी को क्यों देखेंगे? सबसे पहली चीज़ आप इस मूवी को इसलिए देखेंगे क्योंकि अगर आप जो है पॉलिटिक्स के लवर हैं, आप अगर थ्रिलर में विश्वास रखते हैं, आपको अच्छा थ्रिलर अच्छा लगता है, तो आप जाइए इस मूवी देखने। ओवरऑल जो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा वो है 3.5 स्टार, और आप प्लीज़ इसको जा करके देख सकते हैं अगर आप जो है पॉलिटिक्स, सस्पेंस और थ्रिलर में इंटरेस्ट रखते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।